नाबालिका दुष्कर्मकारी को फांसी दंडादेश दुष्कर्मकारी जामिनी महांती को महांतंकु फांसी दंडादेश सुनाइले बारीपदा फास्ट्राक कोर्ट 2018 जून 15 तारीख रे बेतनटी गरुड़ बसार जने 8 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म परे हत्या करा जायतिला। वर्तमान समय बड़ खबर नाबालिका दुष्कर्मकारी को फांसी दंडादेश दुष्कर्मकारी जामिनी महांत को फांसी दंडादेश सुनाई बारीपदा फास्ट्राक कोर्ट 2018 जून 15 तारीख में बेतनटी गरुड़ बसार जने 8 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म परे हत्या करा जायतिला। यार अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ते आम मयूरभंज रिपोर्टर ब्यूरो हेड सत्यजित सोम। सत्यजित राय केते बेले आसिला एवं ए राय आसिला परे स्थानीय अंचल जे माने बुद्धिजीवी अछंती आईएनजीबी अछंती से माने किभली भाबरे देखुचंती निश्चर पे देखंतु विभु प्रथमे मो सूचना हो जाइबी आउ किछि समय पूर्वरु माने कहि परबी मो मात्र अल्प समय पूर्वरु ए राय प्रकाश पाइछि बारीपदा फास्ट ट्रैक कोर्ट रे जो राय प्रकाश पाइछि अभियुक्त को बलात्कार परे हत्या करथवा जो अभियुक्त को फांसी दंडादेश सुनाइछन्ति या बारीपदा इतिहास रे समग्र मयूरभंज जिल्लार इतिहास रे प्रथम घटना आमे कहि परबा देखंतु जो घटना घटीला गत जून मास 15 तारीख 2018 मसीहार से नाबालिका से अभियुक्त को फांसी दंडादेश सह 5 लाख टा क्षतिपूरण दाबी उठीला और से माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा नवीन पटनायक से घोषणा करते कि तदंत प्रक्रिया को त्वरित करने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला विचार हम और से ही प्रक्रिया ही लागू होना आज विचार शेष होती मात्र आम कह 1 वर्ष 2 मास मध्य विचार शेष होती समस्त साक्ष्य प्रमाण को ग्रहण कर सारा आज माननीय विचारपति जो राय सुनाई ताकि समग्र जिले में समग्र आम कह खुशी लहरी खेली जाइए कहीं जो घटना समग्र जिले में केवल छह सृष्टि करता मात्र 8 वर्ष गोटे नाबालिका को से ही ग्राम जामिनी महांत जी अभियुक्त अच्छी साइकिल चला शिखेब कही घर दांडर नहीं जाइला और निकटस्थ जंगल से दुष्कर्म करापर ताक पथर से हत्या कर तेरे पुलिस तुरंत गिरफ्त करने को सक्षम होता तेरे जो अभियुक्त रही अभियुक्त को फांसी दंड दाबी से उठी समस्त उठाई और उत्तेजना प्रकाश पाई तेरे परवर्त समय मुख्यमंत्री घोषणा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार अभियुक्त को उपयुक्त दंड दिया जो घोषणा करते आज फलप्रद सत्यजित आप जमी कहते जून 15 2018 मसीहार घटना अर्थात इतिम्य घटना को बर्षे 2 मास अर्थात 14 मास बीती जाए 14 मास पीड़िता परिवार पक्षर न्याय अपेक्षा थिले एवं आज जितेबले ए राय आसी पीड़िता परिवार पक्षर कौनसी प्रतिक्रिया आसी पारुची कि देखो बेभु आज जो राय प्रकाश पाई आम कही किसी समय पर पूर्व राय प्रकाश पाई तेरे जो पीड़िता जो आवेदन करते जो एतला देते पीड़िता निश्चित मानते आम कही एक प्रकार खुशी होती बापा माँ नाबालिक बापा माँ अच्छा निश्चित रूप एक प्रकार से खुशी प्रकट करते कहीं देखो जेहतु तर झीटे से हर नाबालिका झील एकम्र नाबालिका झील को हर से समय मैंने कही अत्यंत दुखदायक घटना था जो घटना घटी जून मास 15 तारीख दिन आम 16 तारीख दिन सकाल ये खबर प्रचारित होता तेरे संध्या समय नाबालिका को साइकिल चोरा शिखेगा कोई से गांव नहीं जाइला और निकटस्थ जंगल ने यह दुष्कर्म करता और जो हत्या विभक्त भाव हत्या करता एक प्रकार जघन्य हत्याकांड आम देखा मिलता और तापर से घटनास्थल में समग्र गांव ग्रामवासी जो युवक मत संपुक्त गरुड़ बसा ग्राम होता बेले समस्त ग्रामवासी तार विरोध थे और तुरंत फांसी देवा दावी करते तेज आज जो फांसी दंडादेश मिली निश्चित रूप समस्त मन में एक प्रकार आनंद खेली जाती जो बापा जो झील को हर सत्यजित यही घटना को राय वर्तमान जहाँ आसूची कोर्ट्रु ताकु समस्ते स्वागत करुचंती आमे आशा करिबा एहा उदाहरण सृष्टि करिबो अन्य माने एभली काम करिबा पूर्वरु प्रकृत में पुणि थरे चिंता करिबे कारण एभली जदि दंडविधान हुए तो स्वाभाविक भाव जी आसामी बा अपराधी सेमानंक मनरे मध्य भय जाग्रत हेबो।